हेलो नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हमने इसका आइसोमेट्रिक जेट टाइप ब्लॉक, पहले आइसोमेट्रिक कैसे निकालते वो सीखा, आइसोमेट्रिक में डायमेंशन कैसे देने का। ये ब्लॉक सामने है इसलिए इसका फ्रंट टॉप साइड भी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि पहले स्पेसिंग करना पड़ता है, लंबाई चौड़ाई यानी बॉक्स कितना जगह लगेगा, ऑर्थोग्राफिक निकालते समय ड्राइंग पेपर पर वो पहले समझ में हमको आना चाहिए। इसका टोटल डायमेंशन सेम है 80 80 80, तो ये क्यूब जैसा आकार तैयार हुआ। यानी फ्रंट टॉप साइड निकालने के लिए इजी काम होता है, क्योंकि इसका लंबाई 80, विड्थ भी 80 और चौड़ाई भी 80, तो 80 और ये 80 160 हो गया, और बीच में इधर 10 10 छोड़ा है रेफरेंस लाइन के, इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 10 10, तो 20 हो गया, इधर भी 20 निकाल छोड़ना पड़ेगा। तो 80 और 80 160 प्लस 20, तो टोटल कितना हो गया 80 प्लस 80 160 प्लस 20 180 हो गया। तो इधर से इधर तक टोटल हाइट का माप बॉक्स निकालते समय 180 रहेगा, हॉरिजॉन्टल भी उतना ही 180 रहेगा। तो ये हम देखेंगे वो ठीक तरह से एक्यूरेट डायमेंशन, ये 180 है और हाइट का भी 180 है। तो पहले ये स्क्वायर पूरा निकल के लिया, तो आगे का काम सिंपल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हमको पहले ही मालूम है, और ऑर्थोग्राफिक निकालते समय पहले कितने जगह लगेगा वो मेन है, तो बाद में अंदर का काम हम आसानी से कर सकते हैं। इधर 80, इधर से भी 80, तो ये पूरा बॉक्स हुआ, स्क्वायर तैयार हुआ, इधर से भी 80, इधर से भी 80, इसका पूरा डायमेंशन मिला। अभी टॉप के लिए भी 80 बाई 80 का, तो ये फेंट कंस्ट्रक्शन हुआ, बीच में एक्सिस निकालने का, बीच में इधर से 10 इधर से 10, तो 10 10 और 20 के बीच में ये लाइन आया एक्सिस का। अब इधर से ये रेफरेंस लाइन जिधर मिला प्रोजेक्शन लाइन, इधर से प्रोजेक्शन लाइन उधर से 45 डिग्री हमने निकाला इधर, यानी ये पद्धत है थोड़ी सी अलग टाइप की, 45 निकालने के बाद जिधर कट होगा वो प्रोजेक्शन ऊपर लेने का, और ये निकालना जरूरत नहीं है 45 एंगल से, ये रब करना पड़ेगा अभी, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ऐसे 45 में निकाल के वापस ऊपर लिया है। अभी एक्चुअल डायमेंशन देखेंगे तो ये 20 है, ये 20 है, और ये इधर दिया है 50। तो फ्रंट पहले निकालेंगे अभी, क्योंकि बाद में प्रोजेक्शन लेना सिंपल होगा। इधर से 20 लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर से ये 50 लिया, ये डायमेंशन 50। ये फर्स्ट एंगल है, हमको मालूम है कि थर्ड एंगल पहले निकालने का, और बाद में पोजीशन कैसा है, सिर्फ पोजीशन बदलेगा क्रॉस चेंज करके फर्स्ट एंगल में। तो इधर से 50, तो पोजीशन हमको मालूम पड़ने के बाद ये स्क्वायर तैयार किया, ये 50 और बाद में वर्टिकल लाइन, अभी किधर कितना है मालूम नहीं। इधर से 20 लिया और वो हॉरिजॉन्टल कट जिधर हुआ उधर तक ये डार्क किया, इधर से भी 50 है नीचे का डायमेंशन, और वर्टिकल जिधर इधर से वर्टिकल निकालने का डार्क, ये भी डार्क हो गया अभी। तो ये जेड जैसा आकार जो है पूरा डार्क की आउटलाइन, बाकी का कंस्ट्रक्शन फेंट है। इसका प्रोजेक्शन इधर जाएगा और इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल इधर से इधर आएगा, तो फ्रंट निकालने के बाद साइड भी पहले निकाल सकते हैं। इधर से दिखा अभी लेफ्ट से ये जेड का पोर्शन सामने से ऐसे दिखाई देगा, एक्चुअल डायमेंशन जो है उतना ये जेड का पोर्शन। अभी लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में ये ऐसा व्यू आएगा, लेफ्ट से देखा राइट में निकाला, ये रेक्टेंगल और ये आकार दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करके मिलेंगे, क्योंकि इस लाइन के नीचे ये जाएंगे कॉर्नर की, तो ये दोनों एक दूसरे को जोड़ के आएंगे। अभी आप समझ में लेना चाहिए कि ये जो एज पीछे वो दिखाई नहीं देता, ये आगे आता है और इसके पीछे एज जाएगा, इसकी वजह से अभी जो दिखाई नहीं देता इनविजिबल
या अदृश्य हिडन जो पोर्शन है वो हम डॉटेड से दिखाई देते हैं। ये तो डॉटेड इसकी वजह से दिखा है कि ये दिखाई नहीं देता, ये पीछे का एज दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पीछे का एज डॉटेड दिखाया। तो प्रोजेक्शन इधर से ही लेने का, लेकिन डॉटेड, तो इधर से पोर्शन लिया प्रोजेक्शन और ये डॉटेड किया, सेम सेम डैश, लेकिन ये दिखाई देगा। तो इधर से देखते हैं लेफ्ट साइड से, तो एज दिखाई देगा, इधर से एज दिखाई देता है, वो डार्क किया, ये दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई देता है लेफ्ट से देखेंगे तो, क्योंकि राइट साइड में फ्रंट दिखा है तो लेफ्ट में आया, लेफ्ट से साइड दिखा है वो राइट साइड में आता है। तो इधर से लेफ्ट से देखा ये डार्क आया, और पूरा स्क्वायर वो भी डार्क, इस तरह से हमने साइड पूरा किया। टॉप से देखेंगे तो नीचे आएगा फ्रंट के, ये प्रोजेक्शन अभी वैसे ही सेम ये दिखाई देगा। अभी ऊपर से हम देख रहे हैं तो एज दिखाई देगा, इसके नीचे ये जाएगा, ये दोनों येलो कलर एक दूसरे को मिल के आएंगे। ये सामने से देख रहा था, अभी ऊपर से देखा ये और ये मिल के आया, तो ये डार्क एज डार्क हुआ। ये जो एज है वो नीचे गया, ऊपर से देखते समय ये आगे आया, इसलिए इसके पीछे एज गया। तो एज जो दिखाई नहीं देता ये एज, वो डॉटेड निकालना पड़ेगा, ये डॉटेड निकाला, देखिए इधर इसके लेवल में, और ये पूरा स्क्वायर डार्क किया, क्योंकि आजूबाजू का पूरा स्क्वायर एजेस जो है वो दिखाई देगी, डार्क दिखाई देगी, आउटलाइन जो है वो ऑब्जेक्ट लाइन की एजेस वो डार्क करते। इस तरह हमने फ्रंट टॉप और साइड पूरा किया। अभी इसका डायमेंशन देते समय सेम इसमें जो दिया डायमेंशन वही इस पर कन्वर्ट किया है, देखिए 20 और 30, 20, 30, 50 सेम दिया है, ऊपर से ये नीचे आया सेम, ये दिया है तो ये देना नहीं पड़ेगा, इसका दिया है तो ये देना नहीं पड़ेगा, 20 सेम इधर आया, इधर से इधर, ये सब वैसे ही कन्वर्ट किया। इधर हाइट का टोटल दिया, लंबाई का टोटल दिया, इधर सेम लंबाई का है इधर, और विड्थ का इधर से इधर जाता है, इसलिए विड्थ का दोनों सेम है। इस तरह से हमने फ्रंट टॉप साइड पूरा किया और हमको ऑर्थोग्राफिक व्यूज मिले। इस तरह से हम और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक देखेंगे बाद में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।